Assalamualaikum, आतिफ मंगेश अपनी 29th एपिसोड के साथ और सिलसिला वही जो हमारा पिछले दो जो हमने स्टार्ट किया है, गूगल को हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो गूगल की सर्चिंग है, फिल्टरिंग है और अपने मतलब इंफॉर्मेशन को डिग इन करना फ्रॉम द गूगल सर्च इंजन, वो किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट टू हमारी एपिसोड्स गुजरी हैं वो आपको पसंद आई होंगी और उसमें बहुत सी सारी चीज़ें आपको नई पता लगी होंगी। और आज भी जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने एक्सेस शुरू किया था, गूगल की सेटिंग्स को हमने स्टडी किया था, अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या कुछ अवेलेबल है हमें अपने गूगल की सर्चिंग और बेहतर और एक्यूरेट करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। ये गूगल, जैसे कि हम अब सर्च कर रहे थे पाकिस्तान के कीवर्ड से, अब कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो सेटिंग्स के हवाले से थी और अब हम देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं। अब इसमें वेरी सिंपल लैंग्वेजेस क्या टैब आपको नज़र आ रहा है, जो कि जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसकी गूगल अपनी लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन गूगल जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं वो टॉप पे आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मोर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उर्दू भी नज़र आ जाएगी और बाकी तमाम जो हैं लैंग्वेजेस वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और जब हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो गूगल है वो बिल्कुल उर्दू के हिसाब से उसने अपना सारा कुछ सेट कर लिया और उसकी जो अपनी कमांड लाइंस हैं और कमांड ऑप्शंस मौजूद हैं वो भी उसने उर्दू में कर लिए। और अब अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उर्दू लैंग्वेज में तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अब इसमें जैसे कि अब ऑप्शंस के नाम भी चेंज हो चुके हैं तो हम सेटिंग्स में ये तरतीबात में जाएंगे, फिर लैंग्वेज ज़ुबानें और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि इंग्लिश को फिर सेलेक्ट किया और महफूज करें। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो हम वापस इंग्लिश लैंग्वेज पर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप देखें कि लैंग्वेज में हमारे पास तमाम तकरीबन लैंग्वेजेस मौजूद हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो उर्दू और पश्तो इसमें मौजूद है, बाकी अभी और दूसरी लैंग्वेजेस नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा यहाँ से आप कोई भी अपनी जो भी आप जिस भी मुल्क से बिलोंग करते हैं या जो भी आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से आप उस ज़ुबान में गूगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगी। आगे हम चलते हैं टर्न ऑफ सेफ सर्च। ये पहले भी हम सर्च हो चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अभी देखें कि यहाँ पर ये मेरे पास सेफ सर्च ऑन है, यानी कि ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेरेंटल कंट्रोल भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ख़ुद भी अपनी सर्चेस को उन रिजल्ट्स को बेहतरीन रखने के लिए और ऐसे कंटेंट से जो कि क्योंकि गूगल और इंटरनेट भरा हुआ है दूसरे गैर अखलाकी मटेरियल से भी, तो क्योंकि गूगल तो सर्च करता है वो तमाम वेबसाइट्स पर जाना शुरू कर देता है, जहाँ भी उसको कीवर्ड मिलता है वो उठा के आपके लिस्ट में लाना शुरू कर देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं लेकिन उसको ये समझ है कि कौन सा जो मटेरियल है वो दिखाना है और जो कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि ख़ास तौर पर ही सर्च किया जाता है और वो
अमूमन माशरों में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए जब हम आप सेफ सर्च ऑन कर देते हैं तो आपकी तमाम जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स हैं और जो दूसरी जहाँ पे गैर अखलाकी मटेरियल पड़ा हुआ है उनमें गूगल का स्पाइडर नहीं जाता और इस बात का ख्याल रखता है कि वहाँ से सर्च रिजल्ट्स को वहाँ से आपके सामने ना लेकर आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ऑन रखना चाहिए। तो उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, एडवांस सर्च को हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे और अभी हम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज सर्च एक्टिविटीज़। सर्च एक्टिविटीज़ ये बात लोगों को आपको पता होगा या गूगल आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगर आप लॉगिन हैं, जैसे मैं अपने अकाउंट से यहाँ लॉगिन हूँ, ज़्यादातर लोग जो जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं वो उनके सिस्टम उनके लैपटॉप्स या वो कहीं भी जाते हैं अपनी मेल चेक करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली उसमें लॉगिन कर जाता है। तो इसलिए ये भी चीज़ अब मेरे ये लेक्चर सुनने के बाद आप ये चीज़ ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें कि अगर आपका अपना सिस्टम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नेट कैफ़े में या किसी ऑफिस में या किसी और जगह पर जहाँ आप नहीं जाते अमूमन नहीं जाते और वहाँ पे अपनी मेल चेक कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट ज़रूर करें, क्योंकि लॉग आउट नहीं करेंगे तो आपके गूगल में वो लॉग इन हो जाएगा और वो आपकी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर रिवील हो सकती हैं अगर कोई उसको करना चाहे तो। तो इसलिए जब हम यहाँ पे सर्च एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जिस वक्त जैसे मैं इस वक्त लॉग इन हूँ तो अब ये गूगल मेरी तमाम सर्च एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। देखें जो जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जो आज किए थे टुडे और कल जो किए थे, जो इमेजेस मैंने सर्च किए हैं और जिन जो जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए वो सारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप ये तमाम चीज़ें यहाँ से देखें, यहाँ से सेट होती हैं कि अगर आप ये वेब एंड ऐप एक्टिविटीज़ ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्रोम, क्योंकि जो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो भी अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ना, तो गूगल वहाँ से भी उठाना शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर आपने इसको इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री भी किया हुआ है और अगर आपने इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आप वॉइस कमांड्स वगैरह देते हैं या वो भी अगर चाहते हैं कि रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, गूगल सेव करना शुरू कर दे तो ये सेव करना शुरू कर देगा। तो ये एक्टिविटी अगर आपने ऑन की हुई है तो इसके बाद यहाँ पे देखें कि कीप एक्टिविटी अंटिल यू डिलीट इट मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली कीप इट कीप अंटिल आई डिलीट मैनुअली पर होता है। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो भी हिस्ट्री डेवलप हो रही है वो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो सेव करता जा रहा है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि कीप फॉर द 18 मंथ्स, अगर आप चाहते हैं कि ये 18 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये इसको रिमूव कर दे या 3 मंथ्स के बाद, तो ये तमाम सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से जब हम किसी क्रिमिनल सीन पर जाते हैं ना तो वहाँ पर अगर हमें कोई क्राइम सीन से कोई डिवाइसेस इस तरह की मिली हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और कोई यूज़ करता रहा है तो हम बहुत सारा फॉरेंसिक मटेरियल यहाँ से भी इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद हम और ऊपर चलते हैं, मज़ीद हम अगर अपनी सर्चेस को देखना चाहते हैं जो कि गूगल ने सेव की हुई है उसमें हमें फ़िल्टर भी यहाँ पर मौजूद है। अभी इसमें देखें और ज़्यादा आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप इमेज सर्च, न्यू सर्च, सर्च या वीडियो सर्च जो भी आपने किया है उसकी भी हिस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाए। इसके बाद आज की सिर्फ आप देखना चाहें या यस्टरडे में आपने कल जो कुछ सर्च किया था वो देखना चाहें, पिछले 7 दिन में, पिछले 30 दिन में, ऑल टाइम या कस्टम में आप उनको डेट रेंज दे दें तो जब डेट रेंज होगी और फिर क्या क्या उस डेट में आप सिर्फ इमेजेस को चेक करना चाहते हैं या सर्चेस को या वीडियो सर्चेस को तो वो भी उठा के वो सारा ले आएगा। ये रिसर्चर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा अच्छा टूल है कि अगर हम बाज़ दफ़ा कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने यार वो एक चीज़ सर्च की थी वो हमें मिल नहीं रही, तो वो हमें दोबारा कीवर्ड भी याद नहीं होता कि किस एग्जैक्ट कीवर्ड से वो सर्च रिज़ल्ट आया था। तो लेकिन हम अपनी हिस्ट्री में जाके वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं गूगल में अगर हम लॉग इन होकर काम कर रहे हैं तो।
तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप के पास डिलीट एक्टिविटी भी है, आप अपना ये बहुत ज़रूरी है, आप इसका ख्याल रखें जब आप करते हैं। तो आप यहाँ से इस डैशबोर्ड से अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो सर्चिंग है, उसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अदर गूगल एक्टिविटीज़ में हम नेट ऐप में खोलते हैं ताकि ये हमारा इंटैक्ट रहे। ये गूगल की क्योंकि कई सर्विसेज हैं, कई जो यूट्यूब है, इस तरह दूसरे सारे जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये सारे चीज़ें, इन सब की भी हिस्ट्री अगर आप यूज़ करते हैं इन टूल्स को, तो इन सब की भी हिस्ट्री गूगल अपने पास रख रहा होता है अगर आप लॉग इन होकर काम करते हैं। तो अब यह देखें, यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज़ हर तरह की मौजूद हैं। जैसे कि अब यूट्यूब हिस्ट्री है, यूट्यूब में अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें कि यूट्यूब की हिस्ट्री आ जाएगी कि मैंने 21 अक्टूबर को मैंने क्या क्या सर्चेस किए हैं यूट्यूब पे, और कौन कौन सी वीडियो की हैं। इसी तरह वही सारा कुछ इसमें भी आपकी सेटिंग्स वगैरह मौजूद हैं और वो सारा कुछ आप यहाँ से सेटल कर सकते हैं। तो इस ये यहाँ पे जब आप इस मॉडल पे आएंगे अदर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आपको सारी गूगल की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके आपको यहाँ पे सेटिंग्स और हिस्ट्री मिलेगी जो आप यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद फिर हम एक्टिविटी कंट्रोल पे आ जाते हैं। एक्टिविटी कंट्रोल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वो सारी आपके पास कंट्रोल्स हैं कि जिनकी मदद से आप अपने गूगल को ये बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आपने सर्च अपना रिकॉर्ड रखना है और क्या क्या चीज़ नहीं रखनी। जैसे कि अभी हमारा जो है वो वेब ऐप एक्टिविटी जो है, यानी कि वेब पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेव कर रहा है गूगल, लेकिन मैंने उसको लोकेशन हिस्ट्री जो है वो पॉज की हुई है ताकि वो मेरी जो लोकेशन हिस्ट्रीज हैं उनको सेव ना कर सकें। तो उसके बाद यूट्यूब हिस्ट्री और ये फिर पर्सनलाइजेशन भी यही चीज़ है कि गूगल क्योंकि एड्स भी दिखा रहा होता है ना, आपको स्पॉन्सर्ड इमेजेस भी दिखा रहा होता है, और आप जब दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो दूसरी वेबसाइट भी गूगल के जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को आप पर्सनलाइज कर लें, आप वही चीज़ उसी किस्म किसी ख़ास टॉपिक के लिहाज से अगर कोई गूगल के पास एड्स है, तो जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आप गाड़ियाँ में शौकीन हैं, कार्स के शौकीन हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि कार्स रिलेटेड कोई प्रमोशंस चल रही हैं, तो वही मुझे मेरा ब्राउज़र दिखाए, मेरा गूगल दिखाए, तो वो फिर आप पर्सनलाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको उसी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो एड्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी कंट्रोल यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, जिससे आप अपनी सर्चेस को, अपने रिकॉर्ड्स को गूगल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद गूगल अकाउंट्स ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आप पर्सनलाइज सिस्टम है, जहाँ पे आप सब कुछ अपना सेट कर सकते हैं, अपने गूगल को बता सकते हैं कि आप ये पोर्शन आपका तभी होगा जब आप लॉगिन हुए होंगे। देखिए मैं लॉगिन हुआ हूँ, ये मेरा अपना अकाउंट आ रहा है। अब मैं उसमें अपनी जो भी प्राइवेसी और पर्सनलाइज सेटिंग्स करना चाहूँगा, इनमें से बहुत से मैं एंटर नहीं होऊंगा क्योंकि फिर वो जो स्क्रीन्स पर फौरन वो इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं जो मेरी पर्सनल हैं, मैं वो नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे नज़र आए। सिर्फ आप लोग खुद जाके यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यह जो है किस तरह काम करता है। सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो आपको बताएगा, अकाउंट स्टोरेज जो आपकी गूगल की, जीमेल की और दूसरी जो भी स्टोरेज आपको मिली हुई है वो कितनी रहेगी, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज़ ठीक हैं या नहीं हैं, वो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ये पर्सनल इन्फो आ जाती है, इसमें आपको बता देगा कि कौन सा डाटा पब्लिक है और कौन सा डाटा पब्लिक नहीं है। यहाँ से आप अपना ये सेटिंग कर सकते हैं कि लोग जब आपको सर्च करें तो कौन सा डाटा गूगल वो उनको दिखाए और कौन सा डाटा ना दिखाए। ये चीज़ होती है, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन भी वही चीज़ है, सिक्योरिटीज़ भी वही है, पीपल एंड शेयरिंग ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीपल एंड शेयरिंग क्योंकि गूगल में आप जाकर बहुत सी जगह पे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, बहुत सी जगह पर प्लेसेस पे आप जा रहे होते हैं, अब आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। आप गूगल क्या करता है,
ये देखिए कि हमारे पास एक ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप सबसे पहले इसका भी बड़ा ध्यान रखना है, एक तो ये कि आपके ये कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे जो जीमेल के हैं वो जा रहे होते हैं। अगर आप ये करें इसको तो देखेंगे सारे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि कोई और जो दूसरी डिवाइसेस हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह को भी इससे कनेक्ट कर दें, तो वहाँ से फिर वो टेलीफोन भी और वो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स फ़ोन्स में होंगे उनका भी डाटा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बड़ा केयरफुली आपने सेटिंग्स करनी है यहाँ पर, कि अगर आप अपने पर्सनल जो आपका लैपटॉप है उसी में इस किस्म की सेटिंग्स करें और अपने जो अकाउंट्स हैं उसको वहीं से एक्सेस किया करें तो वो बेहतर है। इसके बाद आप यहाँ पे गूगल को बता सकते हैं कि किस तरीके से उसमें सेविंग्स करनी है, आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपकी आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन की, लोकेशन शेयरिंग। अच्छा, ये लोकेशन शेयरिंग के बाद में जाते हैं, पहले ब्लॉग्स, यहाँ से आप लोगों को ईमेल एड्रेसेस को या उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन शेयरिंग अगर आपने ऑन की हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लोकेशंस भी गूगल सेव करता जा रहा है। इसके बाद चूज़ व्हाट अदर कैन सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप वो इन्फॉर्मेशन जो दूसरे देख सकते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको चीज़ पहले बताना चाह रहा था कि शेयर एंड रिकमेंडेशन ऐड, ये अच्छा भी है। और अगर हम इसमें जाएं तो क्या गूगल क्या करता है कि जो भी आपने रिव्यूज़ और जो भी आपने अपनी फीडबैक दी हुई होती है गूगल्स के टूल्स के थ्रू मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, जैसे प्लेसेस होती हैं या कोई कंपनी है या कुछ चीज़ ऐसी कोई लिंक है, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो तस्वीर है गूगल के पास, जैसे ये हमारे पास ये जो आ रहा है निशान, उसकी उस तस्वीर के साथ उस आइकॉन के साथ रिकमेंडेशन भी दूसरों को नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि ये जो है रिकमेंडेड बाय दिस पर्सन। तो ये अगर आप चाहते हैं तो ये आप जो शेयरिंग शेयर्ड एंडोर्समेंट्स हैं का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं दूसरों के लिए या दूसरे आपके लिए। तो ये एक बड़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। आपको मालूम है कि गूगल का अपना पेमेंट जी पे गूगल पे का भी एक पूरा सिस्टम है जिसमें आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सेव कर सकते हैं और उनके थ्रू आप बहुत तेज़ी से परचेजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। पाकिस्तान में अपने अलग मसाइल हैं, लेकिन ये कि गूगल की ये फैसिलिटी मौजूद है। इसमें मैं एंटर अगेन अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपने जो क्रेडिट कार्ड्स और अपने जितने भी बैंक डिटेल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, वो हर तरह से महफूज हैं। अब आप जो भी गूगल की मदद से जो भी परचेजिंग करेंगे, सब्सक्रिप्शंस लेंगे, जिस जो सब्सक्रिप्शन मीन कि जो कोई ऐसी परचेजिंग जो कि रीअकर होती हो मंथली वीकली या क्वार्टरली या ईयरली, तो वो फिर ऑटोमेटिकली गूगल उसकी भी रिकॉर्ड रखना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या क्या परचेजिंग की हैं, क्या क्या आपकी सब्सक्रिप्शन जा रही हैं ऑनलाइन। रिजर्वेशंस, जैसे मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि इसका कंप्लीट एक ऑनलाइन ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल सिस्टम है गूगल का, वो भी दूसरी वेबसाइट से ही आता है सारा डाटा। लेकिन अगर आप गूगल का वो ट्रैवल टूल यूज़ करते हुए कोई रिजर्वेशंस वगैरह करते हैं और फिर पेमेंट भी इसके थ्रू ही करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पे आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा। तो गूगल एक कंप्लीट पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करता है। तो यहाँ पे इस ये वाली एपिसोड मैं क्लोज करूँगा। तो ये था आज हमारा थर्ड एपिसोड, और इसमें भी हमने जो अवेलेबल टूल्स हैं और जो पर्सनलाइज चीज़ें हैं गूगल के अंदर वो हमने देखी और समझी। और ये ख़ुद आप जब ट्राई करेंगे जाके अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन होने के बाद, तो वो जो पर्सनल सेटिंग्स हैं, जो पर्सनलाइज फीचर्स हैं गूगल के, वो तभी आपको नज़र आएंगे। और बाकी सर्चिंग के हवाले से जितना कुछ हमने आज सीखा वो भी मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। आगे बहुत ज़बरदस्त टिप्स आने वाली हैं। अगला जो मैं अब जो नेक्स्ट एपिसोड्स करूँगा उसमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, क्योंकि
गूगल के अलावा ये सीरीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी जो मेरी एक लंबी फहरिस्त है आईटी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जो मैं लाने वाला हूँ वो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं और इंफॉर्मेशन है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है कि इसलिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।